एनसीओसी के इजलास में क्या प्रमोशन के हवाले से या इम्तिहानात के हवाले से कोई फैसला हुआ? आज 30 जुलाई को जो एनसीओसी का इजलास होने जा रहा था, उस न्यू मीटिंग में, उस इजलास में क्या एग्जाम्स कैंसिलेशन के हवाले से कोई न्यूज है? इस हवाले से तमाम डिटेल्स डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे, इसलिए काइंडली वीडियो टिल एंड देखिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे पॉजिटिविटी रेट इंक्रीज हो रहा है। एनसीओसी की डेली स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कल का रेशियो 7.53% था पॉजिटिविटी, और आज का 7.79% है, यानी डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिविटी रेट। ऐसी सिचुएशन में रोज एनसीओसी की मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही हैं, ना सिर्फ 28 जुलाई या 30 जुलाई को, बल्कि डेली बेसिस पे एनसीओसी की मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस का जायजा लिया जा रहा है, उसकी बेसिस पे डिफरेंट स्टेप्स एंड मेजर्स लिए जा रहे हैं, डिफरेंट सजेशंस पुट फॉरवर्ड की जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी एनसीओसी की मीटिंग से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इस हवाले से आप नहीं सोचें, आप अपनी स्टडीज को जारी रखें। एग्जाम कैंसिलेशन के चांसेस नहीं है, बहुत 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 कम चांस है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे पॉजिटिविटी रेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रेड 12 के एग्जाम्स हो रहे थे या जो ग्रेड 10 के इस वक्त कंडक्ट हो रहे हैं, उनमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई और ना ही उनको स्टॉप किया गया, वो कंटिन्यू है एग्जाम। तो डियर स्टूडेंट्स, 9th और 11th के एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया की न्यूज पे ध्यान ना दें, प्रमोशन के हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आने वाला। सो प्लीज ट्रस्ट AHA सिस्टम एंड अपना ये वैल्यूएबल टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े कि आपने फेक न्यूज के पीछे अपना टाइम जाया कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।